हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेटिको फाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीटी पल्स की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर की नई भर्ती को लेकर। दोस्तों, आज की पेपर भी कटिंग आप देख पा रहे हैं, आर्टिकल छपा हुआ है कि JEE समेत 1770 पदों पर नियुक्तियाँ 6 माह में। ठीक है, ये दोस्तों जो 1770 पदों की ये नियुक्तियाँ, ये 2018 से लेकर 21 के बीच है, और अदर जो आपकी वैकेंसियाँ हैं जो आपकी 2021-22 से लेकर लगभग आपकी 3000 पोस्टों पर ये भर्ती आने वाली है। जिसको यहाँ पे देख पा रहे हैं, पेपर में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा वर्ष 2018-21 के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 1770 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन भेजने के बावजूद नियुक्तियाँ नहीं हो पाई हैं आवेदकों के लिए, साथ ही विभाग में भर्ती प्रक्रिया के आगे बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आपके दूसरी सरकार बनी इनकी, उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर जो है वो भर्तियाँ कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाए, इन्होंने यहाँ पर दिया कि 100 दिन के अंदर लिपिको संवर्गों के रिक्त 55 पदों का सूचना भेजी जाएगी। साथ ही आप देख पा रहे हैं, विभाग ने 6 माह की कार्य योजना तैयार की है। विभाग ने आगामी 6 माह की जो कार्य योजना तैयार किया है, इसमें रोजगार सृजन को प्रमुख लिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ होने वाली है, 100 दिन के अंदर इन्होंने जो एक वादा किया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है, ये जो पूरा करेंगे जो चीफ मिनिस्टर अपने उत्तर प्रदेश के हैं। तो आप सभी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, मैंने सोचा आप सभी को एक अपडेट दिया जाए। लगभग 3000 पोस्ट ऑफ दोस्तों आपकी ये रिक्रूटमेंट आने वाली है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के। तो आप लोग अभी से तैयारी करना अपनी स्टार्ट कर लीजिए। ये दोस्तों आप सभी को छोटा सा अपडेट था, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो अच्छा है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।